बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चटपटी मसालेदार चिकन तवा कलेजी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन तवा कलेजी मैं पैन में बना रही हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है पैन में बनाना। मेरे शौहर को जो है बिल्कुल पसंद नहीं है ये चिकन और बकरे के स्पेयर पार्ट्स वगैरह। अब आप सोच रहे होंगे स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं। ये स्पेयर पार्ट जो होते हैं जैसे कलेजी हो गई, मगज़ हो गया, सिरी हो गई, गुर्दे हो गए, ये हो गए स्पेयर पार्ट्स। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पाए शौक से खा लेते हैं, वरना तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता। खैर, इसलिए मैं तवे पर नहीं बना रही। अगर तवे पर मैंने बना लिया तो उसमें पकाई हुई रोटी भी मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं पैन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप तवा इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1/4 कप कुकिंग ऑयल दरमियानी आँच पर तो गर्म हो गया है। अब इसमें हम बिल्कुल चॉप की हुई एक दरमियानी प्याज शामिल कर देते हैं। अब प्याज को हम लाल नहीं करेंगे, बस हल्का सा सौते कर लेंगे, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए बस। ये देखिए जनाब, प्याज इतनी ही हमने फ्राई करनी है जितनी आपको नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा हम गोल्डन नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं ताकि मज़ीद प्याज फ्राई ना हो। अच्छा जी, ये हमारी प्याज हो गई है तैयार। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले डालना शुरू करते हैं। 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और 1 टीस्पून ही भुना कुटा ज़ीरा। बस ये अज़ा शामिल करके तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। ले जनाब, मसाला तो भुन गया है। अब हम क्या करेंगे, एक दरमियाना टमाटर पिसा हुआ शामिल करेंगे। अब इसे भी तमाम अज़ा के साथ 1.5 से 2 मिनट भून लेते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी लहसुन अदरक के साथ टमाटर ऐड ना किया करें, इससे क्या होता है लहसुन अदरक की स्मेल ठीक से ख़त्म नहीं हो पाती, इसलिए हमेशा इसी तरह बाद में टमाटर ऐड किया करें। अच्छा जी, कलेजी का मसाला भुनकर तैयार है। अब इसमें हम कलेजी ऐड कर लेते हैं जो कि तकरीबन 1/2 kg है। मैंने कलेजी को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। अब हमने क्या करना है, कलेजी को भी तमाम मसालों में कलेजी का कलर चेंज होने तक हमने भूनना है। यही तकरीबन 2 से 3 मिनट तो हम भूनेंगे। अच्छा जी, कलेजी बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1/2 टीस्पून नमक। नमक मिर्चें आप हसबे जायका लीजिएगा। अब गरम मसाले और नमक को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे ये 4 से 5 कटी हुई छोटी तीखी हरी मिर्चें और 1/4 कप फिटा हुआ दही। अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं और पैन को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट दम पर पकाएंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा जनाब, तकरीबन 10 से 12 मिनट दम पर पका लिया है। हमारी मज़ेदार तवा कलेजी बनकर तैयार है। अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी इस तरह क्रश करके डाल रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। आप कसूरी मेथी की जगह बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। अब पैन को कवर करके मज़ीद 1 मिनट दम पर पका लेते हैं ताकि कसूरी मेथी कलेजी में यकजान हो सके। ज़बरदस्त बेहतरीन कलेजी बनकर तैयार हुई है और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हम सबका दस्तरखान हलाल रिस्क से वसीज़े वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।